क्लास में हम कवर करेंगे हरियाणा की लोक संस्कृति, यानी आपको बताया कि हरियाणा में HSSC के जो एग्जाम है उसमें लोक संस्कृति, लोक नाटक, लोक गीतों के और साहित्य के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी, तो जैसे आपको पता है हरियाणा जो है, हरियाणा में एक लोक संस्कृति है। लोक संस्कृति का मतलब होता है स्थानीय संस्कृति, स्थानीय कल्चर, लोकल कल्चर है जो हरियाणा में डेवलप हुआ है, तो उसको हम नॉर्मली कह देते हैं हरियाणवी संस्कृति। ठीक है जी, तो हरियाणा में हरियाणवी संस्कृति जो है उसको हम लोक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो हरियाणा की लोक संस्कृति में कुछ भाग बनते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है लोक नाटक, पहला भाग आता है लोक संस्कृति में लोक नाटक। दूसरा आता है जी लोक गीत, दूसरा भाग आता है लोक गीत, और तीसरा आता है जी लोक वाद्य। लोक वाद्य का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट, संगीत के जो वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, तो लोक वाद्य में वो लोक गीत। चौथा आता है लोक नृत्य यानी डांस, तो लोक नृत्य वो होते हैं जिनमें लोग जो है डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, लोक नृत्य की शैलियां होती हैं। तो हरियाणा की लोक संस्कृति में चार मुख्य भाग बनते हैं, तो चारों मुख्य भाग से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे लोक नाटक। तो लोक नाटक का मतलब है कि हरियाणा में किस प्रकार के नाटक जो है खेले जाते हैं, किस प्रकार के नाटक किए जाते हैं, तो उन नाटकों को लोक नाटक, यानी उनका नाम आता है सांग। सांग जो है हरियाणा का लोक नाटक है। सांग को नॉर्मली हम स्वांग भी कह देते हैं, यानी इसको हम स्वांग कह देते हैं, सांग या स्वांग। तो इसका जो विकास है, इसका विकास जो है 18वीं शताब्दी में हुआ है। 18वीं शताब्दी में सांग का विकास हुआ है हरियाणा में। तो इसका जो विकास हुआ है वो रासलीला या रामलीला के प्रभाव से हुआ है। आपको पता है रासलीला जो है कृष्ण से जुड़ी हुई है, कृष्ण की रासलीला होती थी। ठीक है जी, तो रासलीला कृष्ण की थी और रामलीला राम की, रामायण से जो रामलीला खेली जाती है उससे जुड़ी हुई है। तो सांग और स्वांग का विकास जो है रामलीला और रासलीला के मिक्सचर से हुआ है। हरियाणा में एक ऐसी कला विकसित हुई, जैसे आपने देखा होगा कि रामायण के आधार पर रामलीला खेली जाती है, तो रामलीला के आधार पर स्टेज पे ही सांग खेले जाते हैं। सांग में लोग जो हैं, कलाकार जो हैं, मिलकर स्टेज शो करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उसको हम सांग या स्वांग कह देते हैं। सांग का मतलब बनता है नाटक करना, यानी कला का प्रदर्शन करना जो है इसका वो बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है हरियाणा में लोक नाटक जो है, लोक नाटक के लिए सबसे फेमस आते हैं उनको कहते हैं पंडित, पंडित लक्ष्मीचंद। तो पंडित लक्ष्मीचंद जो है हरियाणा के सांग और स्वांग से जुड़े हुए सबसे फेमस पर्सनैलिटी है। तो अब इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं लक्ष्मीचंद के, मैं आपको इनके बारे में क्वेश्चन कवर कर देता हूं। तो पंडित लक्ष्मीचंद जो है, पंडित लक्ष्मीचंद जो है, इनका जन्म हुआ था उस समय के रोहतक में और वर्तमान में सोनीपत में, वर्तमान के सोनीपत में इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म हुआ था 1903 में और इनका जीवन जो है 1903 से लेकर 1945 तक, इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में। ठीक है जी, तो ये लगभग 43-44 साल जो है जिंदा रहे हैं। इस दौरान इन्होंने हरियाणा के लोक नाटक में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में किस व्यक्ति को, लक्ष्मीचंद को, लक्ष्मीचंद को कहा जाता है कि हरियाणा का दादा, यानी दादा लक्ष्मीचंद के नाम से इनको जाना जाता है, दादा लक्ष्मीचंद। ठीक है जी, इसके अलावा इनको हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी शेक्सपियर यानी कविताएं सांग लिखने के कारण इनको हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा इनको सूर्य कवि, सूर्य कवि का दर्जा दिया गया हरियाणा में, यानी लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में जितने भी सांग लिखे गए हैं उनमें सबसे महान, जो सबसे अच्छे माने जाते हैं वो लक्ष्मीचंद के ही माने जाते हैं। तो इसी कारण इनको शेक्सपियर कह देते हैं, सूर्य कवि कह देते हैं और दादा लक्ष्मीचंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मीचंद की जीवनी यानी बायोग्राफी जो है किसने लिखी है। तो लक्ष्मीचंद की बायोग्राफी लिखी है केसी शर्मा ने, केसी शर्मा जी ने लक्ष्मीचंद की जीवनी यानी बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है जी, तो उसमें भी इनके जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया था। तो हरियाणा में सांग और स्वांग में सबसे ज्यादा जो योगदान आएगा वो लक्ष्मीचंद का आएगा। एक और क्वेश्चन आता है
कि एक प्रथम सांगी, हरियाणा के प्रथम सांगी माने जाते हैं, प्रथम सांगी में आएगा किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट जो है ये मेरठ से संबंध रखते थे और हरियाणा में इन्होंने सांग में प्रयोग किया है, सांग के नाटक इन्होंने हरियाणा में रचित किए हैं, ठीक है जी। तो केसी शर्मा हो गया, किशन लाल भट्ट हो गया और लक्ष्मीचंद के क्वेश्चन आमतौर पर आते हैं, ठीक है जी। तो लक्ष्मीचंद का जैसे आपने देख लिया कि हरियाणा के सूर्य कवि थे और इनका हरियाणा के लोक नाटक में सबसे ज्यादा मुख्य योगदान आता है, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपको कि सांग है, सांग रचित किए गए, उनके मैं नाम बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आएगा जी बंसीलाल द्वारा, प्रमुख स्वांगी रहे हैं बंसीलाल, उन्होंने गुरु गोगा के नाम से लिखा है, राजा गोपीचंद का उन्होंने सांग रचित किया है। इसके अलावा पंडित लक्ष्मीचंद ने लिखी है जी शकुंतला सांग जो है उनका प्रमुख है, राजा भोज के नाम से आता है, गोपीचंद भरथरी हरिश्चंद्र के नाम से भी लिखा है, द्रौपदी चीरहरण, ठीक है जी, कीचक विराट जैसे सांग जो है पंडित लक्ष्मीचंद ने लिखे हैं। इसके अलावा आता है अहमद बख्श ने रामायण के नाम से अहमद बख्श और जैमल पत्ता के नाम से अहमद बख्श ने सांग रचित किए हैं। इसके अलावा बालक राम आते हैं, बालक राम का आएगा पूर्ण भगत, बालक राम ने लिखा है पूर्ण भगत के नाम से सांग, ठीक है। इसके अलावा बाजे भगत आते हैं, बाजे भगत ने चंद्र किरण के नाम से सांग लिखा है, ठीक है जी। तो ये प्रमुख सांग थे जो हरियाणा में लिखे गए हैं। तो हमने जो पहला पार्ट कवर किया है वो लोक नाटक का है, जिसमें आते हैं सांग, हरियाणा का मुख्य नृत्य जो है सांग आता है, स्वांग आता है, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं लोकगीत। तो लोकगीत यानी ऐसे लोकल सॉन्ग, गीत, संगीत, ठीक है जी। तो लोकल गीत में, लोकगीत में आते हैं विवाह गीत यानी ऐसे गीत जो विवाह के मौके पर खेले जाते हैं, ठीक है जी, विवाह गीत कहते हैं। दूसरा आता है बालक जन्म गीत है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान जो है गीत गाए जाते हैं, उनको बालक जन्म गीत कह देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा तीसरे आते हैं सावन मौसम में गाए जाने वाले गीतों कहते हैं सावन गीत, ठीक है जी। और चौथे और अंतिम होते हैं धार्मिक गीत, यानी धार्मिक त्योहारों में, धार्मिक पर्व में जो भी गीत गाए जाते हैं उनको हम धार्मिक गीत के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो हरियाणा में लोकगीत जो है विवाह के दौरान गाए जाते हैं, ठीक है जी, बालक जन्म गीत बालक के जन्म के दौरान, और सावन गीत सावन के मौसम में, और धार्मिक गीत, ठीक है जी। तो ये हरियाणा में मुख्य गीत मिलते हैं जो हरियाणा में गीत के रूप में जिनका प्रयोग होता है, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जी लोकवाद्य यानी इंस्ट्रूमेंट, ऐसे साज जिनका प्रयोग जो है गीत संगीत में, सांग आदि में प्रयोग किया जाता है। तो हरियाणा के प्रमुख जो वाद्य हैं वो आते हैं, सबसे पहले आता है जी सारंगी जो है गीत संगीत में प्रयोग होती है, तारों से जुड़ी होती है सारंगी बजाई जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा आता है डफ होता है जिसको हम थाल के आकार का कह देते हैं, डफ जो है थाल के आकार का होता है, थाली जैसा होता है, उसको बजाते हैं डफ, ठीक है जी। इसके अलावा तीसरा होता है एक तारा जो है एक तार से बजता है, इसको एक तारा कह देते हैं, ठीक है जी। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो लोक वाद्य में यूज होता है। इसके अलावा नगाड़े बजाए जाते हैं, नगाड़ा होता है ये भी, जैसे आपने देखा बहादुरी के उसमें आता है नगाड़ा, ये भी एक वो है। इसके अलावा ढोल, शादी ब्याह में ढोल बजाए जाते हैं, ढोल हो गए, ठीक है जी। ढोल के अलावा इसमें आते हैं ढोल डमरू, छोटे रूप में होता है जिसमें डमरू होता है, ठीक है जी। ढोल और डमरू जो है गीत संगीत में, विवाह शादी में आदि मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा घड़ा जो है घरों में प्रयोग किए जाने वाला घड़ा होता है, इसको भी साज के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी गीत संगीत में घड़ा जो है आमतौर पे सांग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सहनाई आपको पता है शादी विवाह में बाजे के तौर पे सहनाई का प्रयोग होता है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो लोक वाद्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। और इसके बाद डमरू हो गया, ढोल हो गया, ये मुख्य जो है ये लोक वाद्य है यानी गीत संगीत में प्रमुख प्रयोग होने वाले जो यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको लोग वाद्य कहते हैं। सारंगी देखिए डफ है, थाल के आकार का होता है, एक तारा हो गया, नगाड़ा, ढोल, डमरू, घड़ा और शहनाई, ये प्रमुख जो है हरियाणा में प्रयोग होने वाले लोग वाद्य जो है यूज होते हैं, ठीक है जी।
इसके बाद आता है लोक नृत्य, यानी हरियाणा में प्रमुख रूप से जो नृत्य यानी डांस गीत संगीत में किए जाते हैं उनको लोक नृत्य कहते हैं। तो लोक नृत्य में आता है, लोक नृत्य में सबसे पहले देखेंगे जी हम बीन बांसुरी। बीन बांसुरी यानी बीन बांसुरी, इसमें बीन बजाई जाती है और बांसुरी और उसके साथ गीत संगीत किया जाता है, बीन बांसुरी कहते हैं इसे, ठीक है जी। फिर आता है धमाल नृत्य। धमाल नृत्य, धमाल नृत्य जो है इसका क्वेश्चन आता है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा, ठीक है जी। धमाल नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक खास नृत्य है जो हरियाणा का लोक नृत्य है। धमाल जो है हरियाणा का लोक नृत्य माना जाता है। इसके अलावा गुगा नृत्य, गुगा नृत्य जो है जो गोरखनाथ के पंथी होते हैं गुगा माड़ी में आमतौर पर गुगा नृत्य के रूप में नृत्य किया जाता है, उसको गुगा नृत्य कह देते हैं। इसके अलावा आता है सांग नृत्य। सांग नृत्य जो है सांग या स्वांग में जो नृत्य किया जाता है, नाचकर गाकर जो दिखाया जाता है उसको हम सांग नृत्य के रूप में देखते हैं। ये सांग के साथ ही साथ के साथ गाया जाता है या नाचा जाता है। इसके बाद आता है तीज नृत्य। तीज यानी तीज के मेले में, तीज के त्योहार में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है उस नृत्य को कहते हैं तीज नृत्य। क्वेश्चन आएगा ये जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, तीज नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, ठीक है जी। इसके बाद आता है रासलीला। रासलीला होती है, रासलीला जो है ये कृष्ण से प्रभावित है यानी कृष्ण नृत्य के साथ प्रभावित है कृष्ण। तो रासलीला जो है कृष्ण हो गया राधा उनके प्रेम लीला के रूप में मनाया जाता है, नृत्य के तौर पे देखा जाता है इसे, तो रासलीला हो गया। इसके बाद आता है जी डफ नृत्य। इसके बाद आता है डफ नृत्य। डफ नृत्य जो है ढोल नृत्य भी कहते हैं इसे, ढोल यानी ढोल नकाड़े बजाए जाते हैं इसमें, इसको हम नॉर्मली हरियाणा में डफ नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी खोड़िया। खोड़िया मैं ऊपर लिख देता हूं खोड़िया को। खोड़िया नृत्य जो है ये जो है विवाह शादी के दौरान पुरुष यानी लड़कों की शादी में नॉर्मली जो नृत्य किया जाता है उसको खोड़िया नृत्य कहते हैं, ठीक है जी। खोड़िया नृत्य जो है विवाह शादी के दौरान के मौके पे किया जाता है, ठीक है जी। और इसके बाद आता है लास्ट है डमरू नृत्य। डमरू यानी डमरू बजाया जाता है और साथ में ये जो है डमरू नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। तो पुरुषों का डमरू हो गया, ठीक है जी, महिलाओं का तीज हो गया, डप नृत्य ढोल नृत्य होता है और खोड़िया जो है विवाह शादी के दौरान किया जाने वाला मुख्य नृत्य होता है, ठीक है जी। तो इस क्लास में हमने कवर किए हैं लोक नाटक जिसमें सांग आते हैं, लोक गीत, लोक वाद और लोक नृत्य, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोक साहित्य के रूप में या हरियाणा की भाषा आदि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।